यूपी पुलिस ने शुक्रवार को पीएफआई के 13 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। कानपुर और लखनऊ में 5-5 और बहराइच में 3 को गिरफ्तार किया गया। इन सभी के खिलाफ नागरिकता संशोधन अधिनियम और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिंसा भड़काने का आरोप है। खुफिया एजेंसियों की अगर माने तो उनके आधार पर इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध 15 दिसंबर से शुरू हो गया था, जिसके बाद 18 और 20 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया था। यूपी पुलिस के हाथ शुक्रवार को बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के कुल 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पीएफआई के 5 सदस्य कानपुर से और 3 लखनऊ से गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी यूपी में सीएए और एनआरसी के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप में हुई है। वहीं कानपुर से गिरफ्तार किए गए आरोपी सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में खलल डालने की योजना बना रहे थे। कानपुर से गिरफ्तार हुए 5 आरोपियों के नाम मोहम्मद उमर, सैयद अब्दुल, फैजान वसीफ और सवर बताए गए हैं। वहीं लखनऊ से गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम शकीरुर रहमान, शबी खान और अरशद हैं। लखनऊ से गिरफ्तार किए गए आरोपी लखनऊ में रहकर ही पीएफआई के लिए काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ये लोग बिजनौर और बलिया से गंगा यात्रा की समाप्ति पर आयोजित कार्यक्रम को बाधित करने की योजना बना रहे थे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि थे। यूपी पुलिस के अधिकारी ने बताया कि पीएफआई के सदस्यों से पूछताछ जारी है। संगठन से जुड़े लोगों की आगे और भी गिरफ्तारी होगी। देखिए, सीए के बाद से कानपुर नगर में जो सीए का विरोध करने के नाम पर 144 का उल्लंघन किया गया, शांति भंग की गई, कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न की गई, पथराव किया गया, आगजनी की गई, इन सब घटनाओं, फायरिंग की गई, 3 लोग की मौत हुई और कई पुलिसकर्मी घायल हुए, इन सब में जो षड्यंत्र की भूमिका में और विभिन्न प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से काम करके यहाँ पर लोगों को भड़काने में बहकाने में पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की भूमिका सामने आई है, जिसके 5 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार करके जेल भेजा है और भी उनसे पूछताछ के आधार पर यहाँ पर जो पहले से नेटवर्क पीएफआई का रह रहा था, जो विभिन्न प्रकार से यहाँ पर हालात खराब करने में, तनाव उत्पन्न करने में, कानून व्यवस्था की स्थिति को उत्पन्न करने कराने में किसी भी प्रकार से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भूमिका थी, उन सबका अनावरण किया जा रहा है, उन सब के बारे में छानबीन की जा रही है, आगे और भी इनकी गिरफ्तारियां की जाएंगी। इन आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले पुलिस को खुफिया एजेंसी से इनपुट मिले, जिसके आधार पर पुलिस ने इन्हें धर पकड़ा। फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय सीएए के विरोध में पीएफआई को पैसा कहां से मिला, इसकी जांच आरोपियों के बैंक खातों को खंगाल कर रही है। दरअसल पुलिस की जांच में सामने आया है कि दिसंबर 2019 में सीएए और एनआरसी के खिलाफ यूपी में हुई हिंसा, आगजनी और विरोध प्रदर्शन के लिए फंडिंग पीएफआई ने ही की थी। इसके साथ ही कानपुर के मोहम्मद अली पार्क चवनगंज में चल रहा विरोध प्रदर्शन भी इसी फंड के जरिए संचालित होने की भी जानकारी मिली है। कानपुर में सीएए के विरोध को लेकर छिटपुट विरोध 15 दिसंबर से ही शुरू हो गए थे, लेकिन बड़ा बवाल 20 दिसंबर को जुमे की नमाज के बाद शुरू हुआ। इस हिंसा के बाद गोलीबारी, पथराव और आगजनी में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 1 दर्जन लोग घायल हो गए थे। हालांकि इससे पहले गृह मंत्रालय ने भी पीएफआई के अकाउंट में 120 करोड़ रुपए जमा होने का खुलासा किया था। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया था कि जमा हुए पैसे में ज्यादातर पैसा वेस्ट यूपी के जिलों में भेजा गया था। पीएफआई की पकड़ देश के 23 राज्यों में है, लेकिन पिछले कई महीनों से 7 राज्यों में पीएफआई सक्रिय है। इनमें दिल्ली, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश शामिल है। इससे पहले 2012 में भी पीएफआई पर बैन की मांग उठ चुकी है। गौरतलब है कि बीते दिनों सूबे के 21 जिलों में हुए हिंसक प्रदर्शन में पीएफआई का नाम सामने आया था। इसके बाद पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष वसीम अहमद, कोषाध्यक्ष नदीम अहमद और मंडल अध्यक्ष अशफाक लखनऊ से गिरफ्तार भी हुए थे। लखनऊ से गगन मिश्रा और कानपुर से नीरज अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।